और मुझसे चला नहीं जा रहा, कम से कम एक रिक्शा तो लीजिए। होटल आ गया बाबू, बस और थोड़ा सा। ये तो मैं एक घंटे से सुन रही हूँ, और थोड़ा और थोड़ा। वो जो सामने बिल्डिंग देख रही हो ना, वो रहा इस होटल। यही एक होटल है पूरे दीघा में जो सबसे सस्ता मिलता है। हम लोग हनीमून पे आए हैं, कोई फैमिली ट्रिप पे नहीं। और कोई अच्छा होटल नहीं मिला आपको? कम से कम बीच के सामने कोई होटल लेना चाहिए था ना बाबू। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बीच के सामने होटल बहुत महंगा होता है। अगर कुछ पैसा सेविंग कर पाए हमारा फ्यूचर में काम आएगा। आपसे बहस करना बेकार है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। अच्छा भूख लगी है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, चलो मेरे साथ। आंटी दो बिस्किट एक चाय देना। एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। What? बिस्किट और चाय? इतना महंगा खाना मुझे नहीं खाना है। अरे कहाँ जा रही हो, सुनो तो सही। तुम जैसे कंजूस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा बाबा तुम गुस्सा मत करो, होटल चलो वहाँ मंगवा कर कुछ खाते हैं। इस बार अगर तुमने कोई भी कंजूसी गिरी करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो। Excuse me. Yes. हमें एक सस्ता वाला रूम चाहिए। चिटाई खटिया केमखाट से लेकर सिंगल बेड डबल बेड सुइट रूम तक हमारे पास अवेलेबल है, आपको कौन सा चाहिए? सर चिटाई वाला रूम का क्या भाड़ा होगा? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, कंजूसी की हद पार कर दी आज तुमने। तुम बार बार मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो जाती हो? बात कर रहा हूँ ना मैं। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, तुमने मेरा हनीमून खराब कर दिया। और जोर जोर से चिल्लाओ, सबको बता दो हम लोग यहाँ हनीमून में आए हैं। क्या हुआ अगर सबको पता चल गया तो? इंसान शादी के बाद हनीमून में नहीं जाते हैं। मैडम आप लोग झगड़ा मत कीजिए, ये लीजिए स्वीट रूम का चाबी। भाई साहब आपको मैंने बोला ना, हमें स्वीट रूम नहीं चाहिए, कोई सस्ता वाला रूम दीजिए। आपको पैसा देना नहीं होगा, ये मेरी तरफ से आप दोनों को फ्री में। क्या फ्री में? भाई साहब आपको पहले बोलना चाहिए था ना। बोल दिया, प्लीज अब आप दोनों अपने रूम में जाइए। राजू सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, इन दोनों को स्वीट रूम में लेकर जाओ। चलिए। भाई साहब अगर कुछ खाना भी फ्री में हो तो मेरे रूम में भेजवा देना, मेरे तरफ से थैंक यू आपको। भाई साहब आई एम सॉरी, कुछ माइंड मत करना, चलो यहां से।
मेरा नाम है राजू, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं? गोलू, वो हम लोगों को ऊपर लेकर आया है, उसको कुछ टिप्स दे दो। हाँ पिंकी, कुछ चेंज है तुम्हारे पास? नहीं। ये ले 5 रुपया, चाय पी लेना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 5 रुपया। ये लो 50 रुपया, चाय पी लेना। अजीब इंसान है, 50 रुपया देकर चला गया। पिंकी तुम कहीं जाना मत, यहीं रहना, मैं अभी टट्टी करके आता हूं। हेलो, हाँ रिया बोल, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बता, कैसा रहा तेरा हनीमून? अरे यार, मैं तो आज ही आई हूँ हनीमून में। पहले ये बता, कहाँ है तू, मनाली, शिमला या कश्मीर में? क्या बताऊँ यार, मेरे पति इतने बड़े कंजूस हैं कि वो मुझे दीघा लेकर आए। क्या दीघा? अरे यार, मैं भी यही हूँ। रियली, तू भी दीघा में है? ये सब छोड़, पहले ये बता तू कौन से होटल में है? नाम तो मुझे नहीं पता, मैं तुझे करंट लोकेशन सेंड करती हूँ। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, बाय। बाय। तुमने मुझे टट्टी करने नहीं दिया, बग बग बग, किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड रिया, वो आ रही है हम लोगों से मिलने। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी पीऊंगी। ओके। हेलो भाई साहब, एक कॉफी देना, साथ में एक खाली कप भेज देना। ओके सर। राजू। जी सर। एक कप कॉफी मेरे पास लेकर आओ, साथ में एक खाली कप। ओके सर। नींद का दवा है ना तेरे पास? हाँ सर। निकाल। डाल इसमें। को 201 में लेकर चला जा।
कॉफी कहाँ है मेरा? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कॉफी कहाँ से लाऊंगी? क्यों नहीं लाओगी? कौन है गोलू? देखो ना, वेटर खाली हाथ चले आई। खाली हाथ चले आई? अरे गोलू, ये है मेरी फ्रेंड रिया। तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। बैठ। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाजू वाले होटल में ही थी। तू किसके साथ आई है? फैमिली के साथ ना? अरे यार, यहाँ फैमिली के साथ कौन आता है? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। ओ दीदी, तुम यहाँ कितने देर रुकोगी? मैं देखता हूँ। एक मिनट। ये लो गरम गरम कॉफी। थैंक यू। और तुम्हारा कॉफी तुम पीकर दे देना। बस बस, और कितना पियोगी? सर, उन लोगों का क्या करें? उठाकर रास्ते में फेंक दो।